हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको लागत लेखांकन एक परिचय अपन टॉपिक लेते हैं, क्योंकि कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उसका परिचय हमें उसका आना आवश्यक है। तो ये आज एक टॉपिक हमने लिया है, लागत लेखांकन एक परिचय। तो एक परिचय मतलब लागत लेखांकन क्या है। जनरली लागत लेखांकन जो व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता है उसके लिए ये टेक्निक लागत लेखांकन काम में दी जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है उसको सभी को ये ज्ञात करना पड़ता है कि उसकी लागत क्या आती है। तो विशेष तौर से कॉस्ट शब्द का अर्थ क्या है। कॉस्ट शब्द को हम मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में कहते हैं पड़ता, कि कोई चीज़ कितने में पड़ी। जैसे हम बाज़ार से कोई टीवी खरीद के लाते हैं तो उसका कितना हमने मूल्य दिया, हमने जाने आने का किराया उसका कितना लगा, उसका कोई इंश्योरेंस कराया है उसका खर्चा हमारा लगेगा, ठेला भाड़ा उसका हमको देना पड़ेगा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा हमको देना पड़ेगा। तो इन सारी कॉस्ट को यदि हम ऐड करते हैं तो जो लागत आती है वो उसकी लागत एक प्रकार से मानी जाती है। उसी प्रकार से व्यापार के अंतर्गत भी हमको लागत ज्ञात करनी पड़ती है। तो अब इस लागत के संबंध में चार शब्द मुख्य हैं। एक तो होता है कॉस्ट, एक है कॉस्टिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स। इन चारों में बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें है जिसको हमें समझना जरूरी है। तो लागत जैसा मैंने आपको बताया, किसी वस्तु के बारे में जो व्यय की गई राशि वो उसकी लागत जो है वो कहलाती है, कुल खर्चा उस पर कितना हो। दूसरी बात आती है लागत निर्धारण। तो लागत निर्धारण क्या है। लागत निर्धारण बेसिकली वो जो लागत है उस लागत को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके आधार पर हम उस लागत को ज्ञात करते हैं, तो वो होती है लागत निर्धारण। और तीसरा है इसमें लागत लेखांकन। लेखांकन क्या है। अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं, अकाउंट्स के जब हम विद्यार्थी हैं तो हमको हर चीज़ को लिखना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तभी हम उसका लाभ हानि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लागत लेखांकन का मतलब ये है कि वैधानिक आधार पर जो लागत को लिखने की प्रक्रिया है उसको हम एक प्रकार से लागत लेखांकन के नाम से जानते हैं, जिसमें लागत की विभिन्न जो है लागत निर्धारण जो है उसकी विभिन्न जो तकनीकें हैं, किन किन तकनीकों का लागत निर्धारण के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, उन तकनीकों का उपयोग करके हम अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार से लागत लेखांकन की तकनीकों काम में लेते हैं और उसकी कॉस्ट की अकाउंटिंग हम करते हैं। तो वो होता है लागत लेखांकन। फिर आता है इसमें लागत लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र जैसे अपने आप में ही ये शब्द बहुत बड़ा है, शास्त्र का मतलब बहुत बड़ी चीज़ हम एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो लागत लेखा शास्त्र का मतलब ये कि इसके अंतर्गत लागत, लागत निर्धारण, लागत लेखांकन, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत जो शामिल हो जाती है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लागत लेखा शास्त्र जो है वो बहुत बड़ा जो है वो शब्द है। इसमें लागत को ज्ञात करना, लागत को लिखना, उसकी तकनीकों का उपयोग करना और उस पर नियंत्रण करने के लिए जिस शास्त्र का विकास किया गया है उसको एक प्रकार से हम लागत लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये तो है आपके लागत लेखांकन की लागत क्या है। ये चारों शब्दों में बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिसको भी ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद आता है उद्देश्य, कि लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है, हम लागत लेखांकन क्यों करते हैं, किस क्या उसका उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य को मुख्य रूप से ये 5 पॉइंट्स के अंतर्गत हम जो है वो इसको चीज़ को हम समझ सकते हैं। सबसे पहला आता है लागत निर्धारण। जैसा अभी आपको बताया कि लागत का निर्धारण जो है वो हमको इसमें करना पड़ता है। अब लागत का निर्धारण करने के लिए कारखाने में जो वस्तुएं हम बनाते हैं उन वस्तुओं के टोटल कॉस्ट उनकी कितनी आती है, जो वस्तुएं निर्मित की गई है उनकी पर यूनिट कॉस्ट उनकी कितनी आएगी, कोई जॉब है उसकी लागत कितनी आएगी, उस वस्तु के संबंध में जो हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं उसकी सामग्री लागत कितनी है, श्रम लागत कितनी है, उसमें खर्चे कितने हैं, तो इन सब का निर्धारण करने के लिए हमको लागत लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। एक उद्देश्य इसका ये है। दूसरा उद्देश्य इसका आता है लागत नियंत्रण। जैसा आपको पता है कि आज के कंपटीशन के युग में कोई भी व्यवसायी, हर व्यवसायी लाभ कमाना चाहता है, लेकिन अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाए, तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो वो अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके माल बेचे और या अपनी लागत को कम करके कॉस्ट पर यूनिट की वो कम करें। तो आज के कंपटीशन के युग में सेलिंग प्राइस बढ़ा करके माल बेचना बड़ा मुश्किल है। आप सेलिंग प्राइस बढ़ा करके माल नहीं बेच सकते, क्योंकि बगल वाला आपसे सस्ता माल लेगा तो कस्टमर तो वहाँ जाएगा, आपके पास क्यों आएगा लेने के लिए। इसलिए लागत सेलिंग प्राइस बढ़ा करके हम ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते। उसका सबसे अच्छा बेस्ट जो ये है वो है कि आप कॉस्ट को कम से कम करो। लेकिन हाँ, यदि कॉस्ट कम करने के चक्कर में आपने क्वालिटी ख़राब कर दी तो फिर आप मात खा जाएंगे, फिर आपको हानि हो जाएगी।
तो इसलिए क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कम से कम लागत आप कैसे करें, तो परचेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, तो वो लागत नियंत्रण जो है वो करने के लिए हमको इसमें लागत लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात इसमें आती है लागत में कमी, कि लागत में कमी कॉस्ट रिडक्शन हम कैसे करें, जैसा भी मैंने आपको बताया कि लागत में कमी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हम सामग्री में कम कर सकते हैं, हम श्रम के अंतर्गत हम कम कर सकते हैं, जो एडिशनल खर्चे होते हैं उनके अंतर्गत हम कमी कर सकते हैं। जैसे आजकल कोविड का चल रहा है तो बहुत सी कंपनियों ने जो है अपने यहाँ कॉस्ट कटिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि इनकम इतनी हो नहीं रही उनके यहाँ, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया, या मान लीजिए ऑफिस जो उनके हैं ऑफिस में उन्होंने बंद कर दिए, ऑफिस में बहुत कम कर्मचारी रख दिए, कभी कभी ऑफिस खोलते हैं तो ऑफिस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्होंने कटिंग करना शुरू कर दिया, तो कॉस्ट कम करके हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो लागत में कमी करना ये भी हम तभी करेंगे जब हम लागत लेखांकन करें, हमें पता हो कि हमारी लागत कितनी आ रही है। फिर आता है निर्णय लेने में सहायक डिसीजन मेकिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो विभिन्न इसमें टेक्निक्स हैं, अलग अलग तकनीकें हैं, उन तकनीकों के अंतर्गत आपको बताएंगे कि वो तकनीकें टॉप मैनेजमेंट को बड़े बड़े जो डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, निर्णय लेने में बहुत सहायक होती है। जैसे एक मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है, उसका तो नाम है डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, निर्णय लेने की तकनीक है। तो निर्णय लेने व्यापार में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कौन सी वस्तु बनाई जाए, कम बनाई जाए या ज़्यादा बनाई जाए, जो वस्तु किसी का हम जैसे टेंडर भरते हैं तो टेंडर भरने के लिए टेंडर प्राइस कितनी तय करें, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट लें। तो टेंडर प्राइस आप तभी भर सकते हो जब आपको ये पता हो कि आप जो वस्तु की सप्लाई करेंगे या निर्माण करेंगे उसकी इतनी लागत आएगी, अब आपको उसमें 5% प्रॉफिट जोड़ना है, 10% प्रॉफिट जोड़ना है, 15% प्रॉफिट जोड़ना है, वो आप अपने स्तर पर जोड़ सकते हैं। तो टेंडर प्राइस के लिए भी आपको इसमें जो है वो इसकी लागत लेखांकन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। किसी चीज़ का विक्रय मूल्य भी हमें निर्धारित करना है तो उसके लिए हमें इनकी आवश्यकता जो है पड़ती है। और बहुत सारी अलग अलग तकनीकें हैं जो आगे विस्तार से हम इसमें देखेंगे, उनके आधार पर देखेंगे। तो निर्णय लेने में ये लागत लेखांकन की जो तकनीक है ये बहुत ज़्यादा लागत लेखांकन बहुत हेल्पफुल है। और अंतिम उद्देश्य इसका आता है वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति, स्टेट्यूटरी कंपल्सन हो गया। आज बहुत सी कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया है, वित्तीय लेखांकन तो हम पहले से करते आ रहे हैं, इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, लेकिन अब आज के समय में बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं तो कंपनी अधिनियम में ही प्रावधान कर दिया गया है कि बहुत सी उद्योगों में लगी हुई जो कंपनियां हैं उनको लागत लेखे रखना बहुत ही आवश्यक है, लागत लेखांकन उनके लिए आवश्यकता है, वैधानिक आवश्यकता है। तो उस वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी हमको लागत लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये विभिन्न उद्देश्य हैं जिनके आधार पर जो है लागत लेखांकन हमको करना पड़ता है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही लागत लेखांकन।